आज मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड के घर पर। क्यों जाऊंगी ये मैं बताऊंगी आपको, और ये आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम ब्लॉग डालेंगे तो उस टाइम तक मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं थोड़ा रात में जाऊंगी, 8 बजे के बाद जाऊंगी, और ब्लॉग का टाइम हमारा 8 बजे का रहता है। तो ये वाला ब्लॉग हमारा कल देखने को मिलेगा। तो मुझे उसके घर जाना है, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है और मुझे अपने हाथों पर मेहंदी लगवानी है। क्यों लगवानी है उसका आपको आगे चल के पता लगेगा आगे वाले ब्लॉग में। तो शाम को मिलवाएंगे अपनी फ्रेंड से, उसके घर जाएंगे, क्योंकि जब से वो मुझे मिली है मैं उसी से मेहंदी लगवाती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी मेहंदी पसंद आती है और वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ना। अब वर्णित का आज स्कूल ऑफ है, तो वर्णित हम घर पे है ना वर्णित। और आज उसकी बेटी भी झूले पर से गिर गई, उसके चोट लगी है, तो हम उसको देखने भी जाएंगे, तो दोनों काम होंगे। वैसे मुझे दुख लग रहा है उसका, लेकिन थोड़ा जाएंगे तो फिर मेहंदी लगवा ही लेंगे। इतना चोट नहीं लगा, बच्चा है, थोड़ा झूला सा हाइट से, थोड़ी सी हाइट से गिरी है, पर चोट लग गई। वरना ये रबड़ा मम्मा की, इसे नहीं लेते। थोड़ी सी चोट उसके यहाँ पर लग गई है, थोड़ा सा ब्लड व्लड भी आ गया उसके, बट देखेंगे हम उसको, शाम को मिलेंगे उसके, फिर अपना बाद में अपनी। हाँ आप जाओगे उसको देखने? ठीक है, तो वर्णित भी जाएगा, देखते हैं, लेके चलते हैं, क्योंकि ये और फिर ख्याति दोनों मिलके बहुत शैतानी करते हैं, फिर हम लोग कुछ अपना काम नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे उसके घर पे कुछ काम भी है। मेरा हाउस शाम को देखेंगे। हाउस हाउस तो तुम अभी बना रहे थे ना, बनाओ ना, ये पड़ा है ना सामान, बनाओ फिर। वापस अब मैं हाउस तो रात को दिखाओगे इसका मतलब? तो अच्छा, तो वर्णित ने अभी नाश्ते में क्या खाया था? ब्रेड। फिर से इसको ब्रेड पसंद है, मैंने आलू पराठा बनाया था तो उसने नहीं खाया, उसने ब्रेड खाया है। तो अभी हम सब्जी रोटी बनाएंगे फिर खिलाएंगे इसको, क्योंकि नाश्ता इसका सॉस और मेयोनीज जो ही हमेशा बनाता है, आपने ब्लॉग में देखा होगा, ब्रेड लिया उसमें सॉस डाली, मेयोनीज डाली और अपना वो लगा के और खा लिया, बस हो गया, तो नाश्ता हो गया। तो हम अभी खाना बनाएंगे, ये गए हैं गाँव और आएँगे तब नहा धो के करते हैं, हमारा काम हो चुका है, बस हमारे कपड़े धुल रहे हैं और हमारा काम हो चुका है वैसे, तो इनका वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम खाना पीना खाएंगे। तो दोस्तों आपसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप सब्सक्राइब भी करना, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, थैंक यू। तो अब बनाइए हमने हरी मिर्च और आमी छौंकी है हमने, ये सौंफ वौंफ डाल के, और ये मठे के संग पानी की रोटी बनाओ गैस पे ही, बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन हम बनाएंगे आलू की रोटी, हरी मिर्च और आमी, और फिर खाएंगे। तो अभी थोड़ा सा इसमें टाइम है पकने में। हमारी मिर्च रेडी हो चुकी है, जो ब्रेड पकौड़ा बनाया था हमने उसी कढ़ाई में हमने मिर्च छौंक दी। अब हमारी ये मिर्च रेडी हो चुकी है, इस प्रोसेस पे आकर हम इसको गैस ऑफ कर देंगे, थोड़ी देर कढ़ाई में रहने देंगे। अब वर्णित क्या कर रहा है दिखाते हैं आपको, उसका हाउस उठा के हम इस रूम में ले आए, वो अकेला बैठा रहता था। ट्रिंग ट्रिंग, कौन है? देखो कौन आया आपके घर में। क्या कर रहे हो आपका? यूट्यूब चैनल से आए? यस। तो आपका नाम वर्णित है? हाँ, तो टॉप पर्दा ऊपर करो। हाँ। हम आपका हाउस देखना चाहते हैं, आपका हाउस कैसा है? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, हाउस के अंदर हाउस है, है? आपका घर तो बहुत सुंदर है, विंडो भी है, अरे वाह, हम आ जाएं आपके हाउस के अंदर? हाँ। आ जाऊंगी मैं? हाँ, चलो ठीक है। तो हम वर्णित ने हमें इनवाइट किया है अपने हाउस में, तो हम चल रहे हैं वर्णित के हाउस में। हेलो दोस्तों, मैंने एक बोर्ड बनाया और मम्मा मेरे हाउस के अंदर आई। तो हम आ गए हैं वर्णित के हाउस के अंदर, यस, है ना वर्णित? हाँ। है ना? की चल लग रहा है वर्णित? वाह यार, ये हाउस तो बहुत मजेदार है ना?
यार हाउस तो बहुत मज़ेदार है, ये तो बहुत अच्छा अच्छा हाउस बनाया आपने है। पापा आएंगे ढूंढेंगे कहाँ है, हम चुपचाप बैठ जाते हैं फिर पापा देखेंगे कहाँ चले गए। तो दोस्तों मैं गांव से आ चुका हूँ लेकिन मधु और वर्णित मुझे नहीं मिल रहे हैं, आरुष्ते स्कूल गया हुआ है। मैं नहा लिया हूँ और देखिए नहा के मैंने कपड़े भी पहन लिए हैं लेकिन मधु और वर्णित नहीं मिल रहे हैं मेरे को। चलिए मैं देखता हूँ कहाँ पर हैं, ढूंढते हैं। मधु वर्णित इधर भी नहीं इस रूम में। किचन में देखता हूँ जाके, यहाँ पर भी नहीं है। मुझे लग रहा है ये वर्णित और ये इस टेंट हाउस में है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ हम बना रहे हैं अपना घर, इसके अंदर हम। हेलो देखो मैं भी आ गई इसके हाउस में, वर्णित के हाउस में। और हमने बनाया है ये देखो, ये वाओ देखो है ना वर्णित, देखो क्या बनाया है। चलो बहुत भूख लग रही है मेरे को भी, खाना बनाते जाओ इसके साथ खेलने। देखो दोस्तों ये घर में हाउस में बैठे हुए हैं। ये देखो इसका मेन गेट, ये रहा इसका मेन गेट। हेलो ये देखो हमारा छोटा सा घर के अंदर घर, फिर ये घर, फिर घर के अंदर एक और घर, तीन घर हो गए। जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर पर। तो मैं आ गई अपनी बेस्टी के घर पर, वो वेलकम कर रही थी बाहर बैठ के हमारा। हेलो तन्वी, तन्वी हेलो, हेलो करो, हेलो तन्वी। आज इसके चोट लग गई थी, गिर गई थी, यहाँ चोट लग गई है इसके। हाँ आज परेशान है ये, हो ईशी ईशी परेशान हो रही है गुड़िया रानी। क्याती हेलो, क्याती हेलो करो। और हम लगवाएंगे अपने हाथों पर मेहंदी, मिलते हाँ। अच्छा जब से मेरे को ये मिली है तब से मैं इसी से लगवाती हूँ, मुझे इसकी पसंद आती है। पर अब इसकी क्या कह रही है सुनो, फ्री का चंदन किसमें नंदन, फ्री में काम हो जाता है। अगर ये पार्लर में जाती तो 300-400 रुपए में लगती ना। पर बस दोस्त किस बात के, बस घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या, ये मेरे जियाजी का डायलॉग है। मेरे पति का डायलॉग मुझे को मारे जा रहे हैं। आंटी आ गई, आंटी नमस्ते। हम सुला रहे हैं अपनी छोटी परी रानी को, गुड़िया रानी को, और बड़ी गुड़िया रानी हमारी हमारे लिए चाय बना के लाइए, नाश्ता बना के लाइए। और हम सुला रहे हैं इसको, धीरे धीरे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सो जाए तो हम अपना काम शुरू करें। मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारी गुड्डो रानी जो है रह नहीं रही है, इसीलिए हम जो है अरेबिक लगा रहे हैं मेहंदी, जिससे कि हमारा काम सिंपल लगा रहे हैं क्योंकि हमारे जल्दी लग जाए, क्योंकि ये देखो इनके, ये मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ अभी, देखिए आप ये रह नहीं रही है। हाँ ये गुड्डो रानी डुगा, ये परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। आज बहुत कम मेहंदी लगेगी क्योंकि मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही है गाइस। तू बोल के इधर कर दिया कैमरा। तो हमारी मेहंदी लग चुकी है और ये छोटी वाली इतनी परेशान कर रही थी, ये हम लोगों ने टेम्परेरी मेहंदी लगाई है, अभी ये रह गए डिप करने के लिए। तो अभी जो है हम इसे घर जाके लगाएंगे अभी, लेकिन हाँ जितनी हो सके उतनी कोशिश करिए लगाने की, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों सुबह हो रही है, अभी सब सो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे सब सो रहे हैं। वर्णित कहाँ सो रहा है, सुबह जल्दी उठकर, और ये अपने रूम में इधर सो गया है। ये देखो बिना दरी बिछाए से इतना शौक है हाउस में सोने का, सुबह जल्दी उठने के बाद और यहाँ आके सो गया है। सिर्फ पिलो ले आया है ये और बिना दरी बिछाए बिना गद्दा डाले यहाँ सो गया, देखो ये सो रहा है। कि
कितना शौक है इसे हाउस में सोने का। मम्मा हमारी मम्मा क्या कर रही है? पूजा। और ये मेहंदी लगाई है, मुझसे एलर्जी है मुझे मेहंदी से बहुत ज़्यादा। और ये बन्नू मेरे पीछे खड़ा है, ये देखो। मम्मा आप तो रोज पूजा तल्ली तू तल्ली क्योंकि भगवान हमें बुद्धि देते हैं रोज पूजा करने से। बाबा भगवान बुद्धि देते हैं हमें रोज पूजा करने से। देते वो वाले बाबन बुद्धि दे रहे हम तो, ये भी दे रहे ये तो, ये वो तो हमने देता बाबन बुद्धि दे ले। तो बच्चे पढ़ चुके हैं, हम अपना खाना पीने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं अरबी और वर्णित हमारा। हेलो गाइस, हेलो गाइस। और मैंने लगवाई मेहंदी जिसका कलर बहुत सुंदर आया है, देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है। एक मिनट मम्मा, ये मेरी दोस्त ने लगाई थी, उसकी बेटी बहुत परेशान कर रही थी बट उसने फिर भी थोड़ा सा लगा दी। अब देखो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी दो तो मम्मा। और ये मेरा छोड़ा प्यारा सा, पर लग गई बालों में बाबू। मम्मा की दोस्त अच्छी मेहंदी बनाई तू थी वो अच्छी होली। कह रहे मम्मा की दोस्त अच्छी मेहंदी बनाई क्योंकि वो अच्छी हो रही है, मतलब वो अच्छी है इसलिए अच्छी मेहंदी बनाई। दोनों दोस्त है वो, दोनों नहीं ये दोनों, मम्मा और वो है ना। मम्मा वो उसकी बहन दोस्त है, उसकी बहन भी है। ओह ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, बीटरूट है ना। पागल बना रहे हैं ये, सलाद काट रहे हैं चकुंदर जिसे कहते हैं। तो उसका जो कलर आ गया हाथों में उसको कह रहे हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। दो तो आ रहा है। आप मेरे वीडियो देते तो लाइट और टपाई टल ले, मेरी मम्मा की भी पापा की भी मेरे भाई की भी, तो ये मैंने आज बनाई। वो एक ही में आती है सारी, ये अलग अलग नहीं होती, वो सारी मिक्स करके एक ही में डलती है। तो वह हम कर रहे हैं अपना खाना पीना तैयार, बाद में हम रेडी हो गए। और हमने मेहंदी क्यों लगाई है और ये हम तैयार क्यों हुए हैं, बाद में तैयार होंगे। अभी हमने ऐसी ड्रेस पहनी है, ये ड्रेस मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी जिससे आप मिल चुके हो, मेरी बेस्टी। हेलो दोस्तों, तो आज मैंने वही पहनी है, ये वाली देई बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस, इसको और जो लाइट और टपई करेंगे हैं। तो अभी हमने ये पहन लिया है क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो हम खाना पीना तैयार कर लें, अपना पूजा कर ली हमने, भोग लगा ले, उसके बाद फिर हम अपना रेडी होएंगे, फिर आपको बताएंगे हमने क्यों ये सब किया है। अब हम छील रहे हैं अपनी अरबी, वरना लग जाएगी। और आज हम बनाएंगे अरबी और पूड़ी है ना। और ये मेरी पायल से खेल रहे हैं क्योंकि मैंने पायल में भी उतार दी है क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी, तो रात को मैंने पायल निकाल दी है, अभी हम पहनेंगे। तो हम पहनेंगे थोड़ी देर बाद, इसलिए हमने ये निकाल दिए। रोते मम्मा पापा मेहनत कर ले, मेहनत कर रहे हैं ना, मम्मा अब ताली खाना बना रही बेटा। मम्मा ताला मारना ही हो, मेरे पापा मम्मा की हेल्प कर ली, हेल्प कर ली। मम्मा आओ ताने में ता बनाई अरबी की सब्जी और पूड़ी। अट्टा पापा ते मां मैं ते सामने तो तोला है लो तो तल्लो कैमरामैन के सामने हेलो कर लो। हां आप दोनों तल्लो मम्मा अरबी और कैमरामैन। हां आप तो बड़े क्यूट क्यूट से कैमरामैन हूं, बहुत प्यारे प्यारे छे। हेलो भी तल्लो आप। हेलो हेलो दोस्तों, ये वर्णित है हमारा कैमरामैन, इसका नाम है वर्णित। मम्मा मैं बाद में मिला ये तो दादा ताला ये डालिए मेरी डालिए अच्छा ताला तू हाँ हाँ टॉयज टूना का टॉयज टॉयज मुझे मैं तेरे माँ मैंने तेरे माँ मैंने तेरे काम में हेलो तो तल्लो हाँ तू हाँ हेलो तो तल्लो हेलो
ठीक है मैं पे और चैनल डाला, चलो मैं पे और चैनल डाला, ये ना मेरा हाउस, मैं पहले लाइट डाला डाला मैं डाला पे और चैनल। हेलो दोस्तों, फिर मैं बंद डाला दोस्तों, आज की वीडियो आज खत्म होगी, कल मिलम मैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं? क्या कर रहे हो? हमको ढूंढने क्या? हमने भगवान जी को भोग लगाया था, क्योंकि हमारी सब्जी जो प्याज वाली है, इसलिए हमने भगवान जी को भोग लगाया, अपना दही पूड़ी मिर्च और हमने सलाद, ये हमारे भगवान जी की भोग की थाली है और हम खाएंगे अब हरी मिर्च आमी वाली, और इसमें हमारी चटनी मठा सलाद और सब्जी पूड़ी। अब हम लोग खाना खाएंगे, बच्चे पहले से खा रहे थे, अब हम लोग खाना खाएंगे, खाने का टाइम हो गया हमारा। तो हमारा खाना है आज का अरबी पूड़ी। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है और अब हम करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे सबसे कठिन काम करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सबसे हार्ड वर्क है ये, वेरी वेरी हार्ड वर्क है। अब हम सोने जा रहे हैं। हम लोगों ने खाना खाने के बाद, मैं तो कर रहा हूँ आराम, और ये मधु पहन रही है पायल, पायल है तो भाई इनका मन कर रहा है पायल पहनने का, और मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा आराम कर लूँ। वर्णित ने पूरे कमरे में पानी फैला दिया है, अब पोंछा लगा रहा है ये। ये देखो क्यों फैलाया था ये पानी, और फिर इसने हाउस बिगाड़ा तो आरविस ने वो हाउस को उठा के रख दिया। ये देखो पूरे उसमें खेल खिलौने से पानी भर भर के पूरे कमरे में पानी कर डाला है। करो सफाई, उधर भी पानी है, आगे पूरा साफ़ होना चाहिए, क्यों गंदा किया था आरू? ये देख इसके ये इधर पड़े आरु, सारा ढूंढ के रखना एक एक पार्ट्स। कल ही सॉफ्टी लाया था और ये जो मधु वाली रह गई थी, मैं भी आज ही मधु वाली खा रही है, तो नीचे का रेस्टोरेंट बिगड़ गई। जॉर्ज ले लो, मैंने भी क्यों दूं, मेरी है, तुमने खाई थी तो मुझे दी थी। आज मांगी हां। वर्णित बना रहा है अपना ड्राइंग का प्रोजेक्ट। ये क्या बन रहा है वनु? अर्थ। अच्छा, तो कटिंग कर रहा है आरविश, और वर्णित का प्रोजेक्ट है तो आरविश हेल्प कर रहा है उसकी, क्योंकि वो छोटा है अभी काट नहीं सकता इसलिए। चलो तो पेस्ट तो वर्णु आप कर सकते हो ना, तो आप पेस्ट करो उसे, दारू उसको कट करके उसको दो, वो खुद करेगा, ऐसे ही कर लेता है वो, पकड़ो पकड़ो संभालो उड़ जाएंगे। हाँ बस बहुत है, इतना हो जाएगा, छोटा छोटा काटो ना, ब्लू भी डालना है। तो ये कुछ इस तरह से बनाना है, इसको देख के इनको ये बनाना है। आज है 5 तारीख और हमारी है आज शादी की सालगिरह। आज हम लोगों को 13 साल हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और निकल रहे हैं बस घर से बाहर। कितना टाइम है भाई तुम्हें? बस जल्दी आओ। हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, आरविश आ गया है, वर्णित आ गया है और मैं भी रेडी हूँ, और वेट हो रहा है अभी मधु का आने का। मम्मी कहाँ है बेटा? मम्मी अभी लॉक लगा रही है उधर और आ रही है, फिर हम निकलते हैं। तो गाइस मधु रेडी हो चुकी है और आ गई है गाड़ी में, और हम लोग निकल रहे हैं पार्टी के लिए। आगे सब लोग भाई, चलिए चलते हैं। आ गए रेस्टोरेंट अपने मून,
आप यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम आ चुके हैं यहाँ होटल ब्लू मून में, ये होटल ब्लू मून। और अभी हम अंदर एंट्री कर रहे थे, देखिए आप व्यू कितना प्यारा है। सामने फ्रेम दिया हुआ था फ़ोटो शूट करने के लिए, तो हमने भी अपना फ़ोटो शूट कराया। ये देखो बच्चे एंजॉय करते हुए फ़ोटो शूट, पहले हमने फ़ोटो शूट ही किया, ये आरविश ने क्लिक किया था, उसके बाद ये देखो हम दोनों का शूट हो रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने होटल मून में, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, बट अरेंजमेंट अच्छा है आप देख सकते हो। मैं भी आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। नहीं मत दिखाओ। ये देखिए आप, तो गाइस खाना आ चुका है, बटर मसाला पनीर, और बच्चों ने मंगाई है कोक हम सब। खाना बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब है, खाना यही है। ये अभी खाना कैसा है बल्लू? गाइस हम लोगों ने खा लिया है खाना, थोड़ा सा मधु का रह गया रहता, उसके बाद करेंगे पेमेंट और फिर चलेंगे घर की तरफ। लेकिन मेरा थोड़ा एक थम्सअप पीने का थोड़ा मन कर रहा है, तो मैं उसको मंगा लूँ। आइसक्रीम खानी है, स्वीट में कुछ? तो स्वीट भी नहीं लेनी है इनको, कोई आइसक्रीम भी नहीं लेनी है, और कोक भी नहीं लेनी इनको। अब तीनों चीज़ मैं ही लूँगा, मैं ही खाऊँगा अकेला, इनमें से किसी को नहीं दूँगा। ओके, वन्नीत भी खाएगा? अच्छा वन्नीत भी खाएगा, अच्छा वन्नीत भी खाएगा। मना कर दिया ना, नहीं दे रहा इनको, तो मैं आपको दे दूँगा। मैं अभी तो मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं दे रहे हो, तो वन्नीत हो गया है गुस्सा, मैं उसको आइसक्रीम दे रहा ना, तो आप भी तो कोल्ड ड्रिंक नहीं दे रहे हो। पानी पी रही हो? कोल्ड ड्रिंक पी रही हो? जल ले लीजिए। अब हमारे पास आया है नींबू का पानी, इसे हम हैंड वॉश करेंगे। तो फाइनली हमारा डिनर हो चुका है और हम आ गए हैं बाहर, और अब हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ ये फ़ोटो शूट करने के लिए लगाया गया है। जैसे फ़ोटो शूट कर लीजिए, हमने भी करे हैं फ़ोटो शूट, और ऊपर होटल है इसके ऊपर, तो जो भी रहते हैं, अब ये लोग शायद होटल में ही रह रहे हैं, तो शायद ये वॉक कर रहे हैं। यहाँ पर गार्डन है, ब्यूटीफुल गार्डन एंड ये आउटडोर। आ चुके हैं घर अपना डिनर करके। तो आरविश डिनर कैसा था? अच्छा था। सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? हैंड वॉश है ना, जो गर्म पानी से हैंड वॉश किया था, है ना। पंडित को बड़े मजे आ रहे थे, है ना। नींबू पानी, नींबू और गर्म पानी वो आजकल देने लगे होटलों में, पहले हुआ करता था लेकिन बीच में बंद हो गया, फिर से अगेन स्टार्ट हो गया गर्म पानी। अच्छे होटलों में जाओ तो होता ही है, अच्छे नींबू पानी और बाउल में एक मैं गर्म पानी और नींबू का स्लाइस डाल के अपने हैंड वॉश करिए, और है ना। वर्णित को तो बड़े मजे आए थे। कैसा लगा था खाना? वर्णित गुस्सा हो गए थे वहां पर, टोल ड्रिंक चाहिए, टोल ड्रिंक, है ना वर्णित। तो आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आरविश लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट, प्लीज कमेंट जरूर करा करो। तो हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। गुड नाइट, बाय बाय।